थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ ले आई। ये डॉक्टर साहिबा बुलानी है जी। ये है आपके पेशेंट ना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल मरीज काबू आ गया। अच्छा वो आप आई हैं, इनको मारो कॉफी जो है वो तशरीफ इनके तो आसान भी अब मुश्किल में पड़ गए। अब तो जमानत हो गई, अब क्या जरूरत है ये ढोंग रचाने की, ड्रामे करने की। अच्छा ईद मुबारक हो जी आपको जो है। बहुत मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो। खास तौर पे आपका जमानत होना, बाहर आना और सॉफ्टवेयर अपडेट होना, इसकी मुबारकबाद है। ये बाहर आ गए, अब दुआ फरमाइए कि ये उनको मिलने के लिए बाहर चले भी जाएं। देख बाहर उनको मिलने के लिए क्या मतलब है, ये जिनको मिलने के लिए बाहर आए थे उनसे मिल चुके हैं। नहीं, हम तो अंदर जाने वाले हैं। नहीं तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये ईद कैसी आपकी रही? वैसे कश्मीर में तो सिर्फ दो ही बंदे तोड़ सकी हैं आप जो है। तोड़ना तो उसको होता है जो कहीं और हो, जो जब सारे ही कश्मीरी हमारे हैं तो हम तो कश्मीरियों के दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ते थोड़ी हैं। वैसे आपा की ड्रेसिंग अपनी मिसाल आप है, अभी भी आपा ने इतना खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है। आपा रेडीमेड लेती हैं या खुद डिज़ाइन करवाती हैं? ये खाई साहब ज़रा बता दें थोड़ा सा कि ये तो अब आपको तजर्बा हो ही गया होगा बुटीक्स पे किसी खास शख्सियत के साथ। ये देखें खुद गाड़ी में बैठना उनका अंदर जाना, गली नहीं करने देनी। मैं जो है वो ड्रेसिंग का पूछ रही थी आपसे, जो है ड्रेसिंग डिजाइन करवाती हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरे साइज में रेडीमेड आता ही नहीं होगा। ये तो यानी इसका मतलब है आप खुद डिजाइन करती हैं? डिजाइन करने का खाई साहब सारा दिन तो नून लीग की डिजाइनिंग पे टाइम गुजर जाता है। लेकिन पीपल्स पर बेल बूटे बनाते, वो पीपल्स पार्टी वालों के तो मुंह पे बेल बूटे बना दिए आपने। तो ख्वाजा साहब ये मैं बुक में लिख दूं? लिखें ये भी लिखें कि ख्वाजा साहब पर जो सितम होने थे जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। अब ख्वाजा साहब बाहर आ गए हैं, सियालकोट में आ गए हैं, मैदान सज गया है, रोज आना आपके घर की घंटी बजा के ना भागा, मेरा नाम भी बदल देना। इसका मतलब ये है कि ये घंटियां बजाना और सीटियां बजाना इस उम्र में भी आप बाज नहीं है। तूने मेरी आज सारी दावत ईद की बर्बाद कर दी, मैंने कभी छोड़ना नहीं है, शर्म नहीं आती तुझे? जब मुझे बुलाया मैं बुजदार साहब के साथ बिजी थी तो डमी म्यूजियम से क्यों बुला लिया फिरदौस को? देखिया मैं इसे करते इन्होंने मुझे मारिया कि बुजदार साहब ना बिजी सर, मीटिंग कर रहे सर, मैं तो फीकी जी चाह पिया थी तो तू मुझे मारना शुरू कर दिया। ये फीकी चाह पूरे बकरे पर तूने पानी फेर दिया। आपा अजीद है, माफ कर दें से। आए मैं तो असल आपा नु देख के वैसे हाथ जोड़ ले, इधर हाथ जोड़ ले, ध्यान दे जिवें मोढ़ियां ते चढ़ के चोर बलब लाउंदे मल्ले। ये किसको कहा है? ओ ये उनको कह रहा है, उन्होंने कह के सारी जिंदगी नहीं अंदर होना। मेरी जान छुड़ा दे, क्यों चुप बैठे जे, खुश हो रहे जे मेरे ते तशद्दुद तो होंदे है। देखो मैं ये सोच रही हां कि ईद वाले दिन ये बकरा जेड़ा असल ज़बा होने वाला सी वो आजाद क्यों फिरदा है? ये देखें जरा आप, हां करते हैं पीटीआई वाले चीली लगा के जो है ना। अब्बा मैं तो आज तानू वेख के खुश हो गया वा, मेरी इस तो जान छड़ाओ, है तो बगैर मेकअप तो इंज लगदी जिवें मंगोलां दी जसूस हुंदी है। फिर वही बात, अब्बा मैनू अपना शेफ रख लवो, इहदे तशद्दुद तो मैं बड़ा तंग आ गया। तशद्दुद मर गया, बजरी कुटन वाले हाथ सियासत च आ गए। अगर तू कोई चंगी डिश दस केड़ी बना सकना? आपा जी तुसी शौक ना की खांदे जे तुहाडा सिर। अपने बंदे तवीज करा के वलीमे वाले दिन लत तोड़ दे। शर्म इंसान।
अच्छा आप बैठ क्यों नहीं रही, आपको ऊपर देख देख के मेरी तौन मुड़ गई है, जाए वहां पर जाकर बैठे। शुक्र है तुझे तमीज वाली बात कर दी, ख्याल आ गया, आते ही कहते होते हैं। ख्याल वाला अपन तंगी है, वो ऊपर से ये वाली आपा भी आ जाए।